हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आई एम हियर टुडे टू गिव सम इम्पोर्टेंट टिप्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स व्हिच आर आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो वॉच दिस होल वीडियो एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, because in upcoming videos I am explaining the different important things which are essential for the jobs, that may be in pharmaceutical industry, that may be in food industry or any microbiology related industries. So kindly subscribe this YouTube channel so that you will get notifications of upcoming videos. So here we will see some questions and their answers which are commonly asked in the interviews of pharmaceutical industry. So without wasting time, we start these questions. And the first question is, tell me about yourself. एक बहुत common question है, basic question है, क्योंकि जो भी recruiter है, ये जो candidate वहाँ पे आया है interview के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे. So दिस क्वेश्चन दैट इज टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, तो इसका आंसर जब आप देते हो इंटरव्यू में, तो आपको इसमें आपका नाम इंक्लूड करना है, यूअर प्लेस इंक्लूड करनी है, आपका जो एजुकेशन है, और अगर कुछ जॉब एक्सपीरियंस आपका है, और आपके फैमिली के बारे में आपको यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया है. सो दैट एग्जाम्पल आंसर इज हियर, सर माई नेम इज, सो हियर यू हैव टू इंक्लूड यूर नेम. I live in Delhi or whatever your native place. Then आपको आपकी education के बारे में बताना है. For example, I have done masters in pharmacy, or for example, I have done masters in microbiology or pharmacy, that is biotechnology. Then अगर आपको कुछ experience है industry का, वो experience आपको यहाँ पे बताना है, और जो role आपने या फिर जो job आपने किया है उस industry में, उसके बारे में आपको बताना है. जैसे कि यहाँ पे आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, और बाद में आपको आपके फैमिली के बारे में बताना है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, ये शॉर्ट में आपको बताना है, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो इस तरह से आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, आपको हमारे साथ हमारे कंपनी में क्यों काम करना है, या फिर जॉब क्यों करना है. तो इसमें और ऐसे क्वेश्चन में आपको यू हैव टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर थिंग्स यू लाइक इन दैट कंपनी एंड विच आर रिलेटेड टू यूअर करियर गोल्स. तो आपको ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा है, और आपका जो करियर गोल है उसके बारे में भी आपको कुछ बताना है. क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के मुझे जॉब मिली तो मेरा करियर भी वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, और कंपनी में कौन सी चीजें अच्छी है जिसकी वजह से, या फिर वो चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है. एग्जाम्पल आंसर जो है यहाँ पे, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल आंसर है, सर इट विल बी अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक दिस, एंड व्हेन आई रीड अबाउट यूअर रिक्वायरमेंट्स आई फाउंड दैट माय प्रोफेशनल स्किल्स आर मैचिंग विद इट, सो हियर आई कैन यूज माई स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ. तो ये एक एग्जाम्पल आंसर दिया है कि आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया, या फिर अप्लाई करने वक्त आपने सोचा कि चलो ये कंपनी के अच्छी कंपनी है, और न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, या फिर टीवी पे, या फिर एड में आपने इस कंपनी के बारे में सुना है, और बाद में आपको लगा है कि चलो जो मेरा स्किल्स है, जो मेरा एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये इस कंपनी में या इस कंपनी के जॉब में मैं यहाँ पे फिट बैठता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो स्किल्स है, मेरा जो एक्सपीरियंस है,
तो इसकी सहायता से कंपनी की भी ग्रोथ यहाँ पे हो जाए। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर वहां पे देना चाहिए। क्या ये एक एग्जाम्पल आंसर है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, और अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी और सिचुएशन इसके आंसर्स वहां पे चेंज हो सकते हैं, तो ये आपको ख्याल में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, मतलब आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स है वो आपको वहां पे बताना है। 3 to 4 strengths यू कैन टेल हियर, जैसे कि यहाँ पे हॉनेस्टी, सेल्फ मोटिवेशन, देन हार्ड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी, देन पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कुछ अलग अलग स्ट्रेंथ्स है जो आपको पता रहता है कि मेरे खुद के स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, या फिर प्लस पॉइंट क्या क्या है, तो उस प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आंसर है, सर आई एम हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन माई करियर एंड लाइफ। तो ये आपको कॉन्फिडेंटली बताना है, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि ये जो आंसर्स आप दे रहे हो आपके अंदर से आने चाहिए आंसर, चाहे वो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का हो, सेकंड का हो, या फिर थर्ड का हो, और आगे के क्वेश्चन के आंसर्स हो। तो ये आपके दिल से आंसर्स वहां पे आने चाहिए, आपके अंदर से ये पूरे कॉन्फिडेंटली आंसर्स वहां पे आपको देने पड़ेंगे। चलो ये पढ़ा, ये वीडियो देखा, और आपने इसके आंसर्स दिए ऐसे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर योर वीकनेसेस, जैसे कि आप में कुछ स्ट्रेंथ्स है वैसे ही कुछ वीकनेसेस भी वहां पे हमारे बॉडी में, हमारे अंदर वहां पे रहते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और एक टिप यहाँ पे क्या है कि यू टू इंक्लूड 2 to 3 4 दैट वीकनेसेस, फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिव, देन ट्रस्ट पीपल इजिली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कांट से नो फॉर हेल्प एंड कांट स्पीक दी लाई। ओके, तो ये कुछ टिप्स यहाँ पे है, और आपका आंसर आपके अकॉर्डिंगली वहां पे होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आंसर यहाँ पे दिया है, सर आई ट्रस्ट पीपल इजिली एंड आई कांट से नो वेन एनी वन आस्क मी फॉर हेल्प। एक्चुअली ये एक अच्छी चीज है कि दूसरों पे विश्वास करना, भरोसा करना, और दूसरी बात कि कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसको ना नहीं बोलना, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रैक्टिकल भी हमें कुछ होना पड़ता है। सो दैट कैन बी अ वीकनेस, क्योंकि बिना सोचे समझे आप किसी पे भरोसा रखते हो, और समटाइम्स देर विल बी लॉस, सो दैट्स वाई दैट विल बी अ वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई शुड वी हायर यू, उस जहां पे इंटरव्यू आप देने गए हैं, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस कंपनी में, कंपनी ने आपको जॉब क्यों देना है, तो आपको इसका आंसर भी आना चाहिए। एंड एक टिप यहाँ पे हम ले सकते हैं कि इंक्लूड योर नॉलेज, आपका जो नॉलेज है वो आप उनको बता सकते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो जॉब के हिसाब से आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, या फिर जो प्रोफेशनल स्किल्स आप में है या फिर अचीव किए है, वो भी उस कंपनी के हिसाब से, उस जॉब के हिसाब से अच्छे स्किल्स है। एग्जाम्पल आंसर है यहाँ पे, सर फ्रॉम माई पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस आई फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब एंड आई एम सिंसियर विथ माई वर्क एंड एश्योर यू दैट यू विल नेवर रिग्रेट यूर सेल्फ फॉर यूर डिसीजन टू अपॉइंट मी फॉर दिस जॉब। मतलब जो रिक्रूटर्स वहां पे है, उन्होंने आपको पूछा है कि इस कंपनी में आपको जॉब क्यों करना है, या फिर हम इस कंपनी में आपको जॉब क्यों दो, तो आपको ये जो आपका एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल्स है, तो इस पोस्ट के लिए आप वहां पे फिट बैठते हो, और उस उन रिक्रूटर्स को भी आप लोग एक भरोसा देना है कि आपका अगर डिसीजन रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट देने का, तो वो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जो भी नॉलेज है, जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है, और जो भी प्रोफेशनल स्किल्स है, मैं अच्छी तरह से यहाँ पे यूज करूंगा, और कंपनी के ग्रोथ के लिए मैं पूरा डिवोशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला है। तो टिप्स जो है, सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट दैट कंपनी डिटेल्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चला है इंटरनेट से या फिर अदर सोशल मीडिया से, इनके ब्रांचेस, इनके इन्वेंशंस, करंट इश्यूज और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और आपका जो एग्जाम्पल आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह से रह सकता है, सर
दिस कंपनी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज, इट हैज गुड वर्किंग एनवायरमेंट एंड एवरी वन वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी. इट हैज मेनी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट हैज अ गुड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज. तो आपको कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला, और तो ये आपको जो भी कंपनी के बारे में मालूम हो उसके बारे में आप वहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है. अगर मालूम भी नहीं है आपको कंपनी के बारे में जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर देने वाले हो, तो पहले आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए. जो प्लस पॉइंट है कंपनी के, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के, जो अच्छी चीज़ें हैं कंपनी के, वो आपको मालूम होनी चाहिए या फिर करनी चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से दे सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब. क्योंकि अगर आप पहले कंपनी में जॉब पे हो कुछ या फिर जॉब कर रहे हो, तो वो जॉब छोड़ के या फिर वो पोजीशन चेंज करके आपको इस कंपनी में जॉब क्यों करनी है, या फिर आपको जॉब चेंज क्यों करनी है. तो इट इंक्लूड्स थैंक्स टू द प्रीवियस कंपनी, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते थे या फिर कर रहे हो उस कंपनी को आपको थैंक्स बोलना है, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो जाए आपके साथ. टेल अबाउट यू आर लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस कंपनी, उस कंपनी में आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में भी आपको बताना है यहाँ पे, और उस कंपनी आप क्यों छोड़ना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे बताना है. एग्जाम्पल आंसर यहाँ पे है, सर आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी वेयर आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये आपको बताना है, पॉजिटिवली आपको बताना है कि उस कंपनी में जहाँ पे मैं काम करता था मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड चेंजेस इन द जॉब इज आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इम्प्रूव योर नॉलेज स्किल्स एज वेल एज फिनेंशियल ग्रोथ. ये जो आंसर है ये सही आंसर है, क्योंकि कंपनी में चेंज कर रहा हूँ, जॉब में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ का एक पार्ट है जो जिसमें चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो नॉलेज के बारे में हो, स्किल्स के बारे में हो, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हो. तो अगर मैं उस कंपनी को रिजाइन करके अगर इस कंपनी में मैं जॉब करने आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें मिल सकती है. एंड इसके लिए आपकी जो कंपनी है, इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू लर्न मोर. तो ये आप अच्छी तरह से उनको बता सकते हो, या फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप वहां पे दे सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो आपको एक्सपीरियंस, जब आप सैलरी बता रहे हो या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके है, तो आपको खुद का एक्सपीरियंस वहां पे कंसिडर करना चाहिए, आपका करंट पैकेज वहां पे कंसिडर करना चाहिए. एंड लेकिन आपको इंटरव्यूअर को या फिर रिक्रूटर को जो पैकेज की एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपको नहीं बताना चाहिए. तो आंसर किस तरह होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, तो इस तरह से एक एग्जांपल आंसर यहाँ पे है, सर आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस एंड माय करंट पैकेज और CTC इज 5 lakhs पर एनम. सैलरी इज नॉट अ बिग इशू फॉर मी. ये बहुत बड़ा मन लगता है कि सैलरी मुझे इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन जो भी जॉब करता है वो सैलरी के लिए ही करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलरी के लिए जॉब कर रहे तो वही एटीट्यूड आपका वहाँ पे होना चाहिए. तो ये सही रहेगा, सैलरी इज नॉट अ बिग इशू फॉर मी एंड आई एक्सपेक्ट द सैलरी एज पर कंपनी नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन माई एक्सपीरियंस सो दैट कैन हेल्प मी टू मेंटेन माई इकोनॉमिक नीड्स. मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और कंपनी के जो भी नॉर्म्स है सैलरी के बारे में, ये सब मुझे एक्सेप्ट करता हूँ या फिर मंजूर है, और उसके हिसाब से मैं वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ. उसके बाद है, व्हाट आर योर करियर गोल्स. आपके करियर्स के क्या क्या गोल्स है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स है. तो इंक्लूड योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इन योर आंसर. मतलब आपको शॉर्ट या फिर कुछ सालों में क्या हासिल करना है और लाइफ में क्या हासिल करना है. तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं, सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू यूटिलाइज माय स्किल्स एंड टू इम्प्रूव माय प्रोफेशनल करियर इन अ रिप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज
टू गेट रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन दैट कंपनी। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है कि इस कंपनी में अगर मुझे जॉब मिला तो मैं मेरे जो स्किल्स हैं या फिर प्रोफेशनल करियर है मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। और जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है और ये रहेगा कि इस कंपनी के अच्छे से अच्छे पोजीशन पे मुझे वहाँ पे जाना है और वो जो हार्ड वर्किंग लगेगा जो डिवोशन लगेगा वो करने में मेरी तैयारी है। तो ऐसा पॉजिटिव आंसर आपका वहाँ पे होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग। सो बिफोर सेइंग दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को आपके जो भी ग्रुप से फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, आपको कुछ पूछना है क्या। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्लूड थैंक्स टू इंटरव्यूअर, देन 2 to 3 फ्रॉम जॉब टाइमिंग्स, देन वर्किंग आवर्स, ट्रेनिंग पीरियड, जॉब लोकेशन, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सैलरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप उनको पूछ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आंसर यहाँ पे दिया है, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन उस कंपनी में कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए मतलब शॉर्टलिस्ट किया है, तो इस चीज के लिए आपको रिक्रूटर्स को इंटरव्यूअर को थैंक्स बोलना है। सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्किंग आवर्स, क्या क्या कंपनी के वर्किंग आवर्स है ये आप पूछ सकते हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं हमने, जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगले वीडियो में हम कुछ नया पॉइंट्स लेके यहाँ पे आएंगे, चाहे वो अनदर इंटरव्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या फिर कुछ सीवी और रेज्यूम के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।